इट्स इज़ फ्राम द टॉप ऑफ अ सेवन मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज सिक्सटी डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ फोर्टी फाइव डिग्री डिटर्माइन द हाइट ऑफ द टावर तो आपके पास दो चीज़ें यहाँ पे एक तो हो गया आपकी बिल्डिंग और दूसरा आपका हो गया केबल टावर अब इन दोनों के बीच में देखते हैं कि क्या रिलेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें बोला है फ्राम द टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग ये हमारी बिल्डिंग है ये हमारे केबल टावर है और बिल्डिंग से ऊपर अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हो केबल टावर का तो वो कितना बन रहा है 60 डिग्री इसका मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री फॉर अस एंड दे आर सेइंग एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 मतलब अगर नीचे देखेगा तो कितना एंगल बन रहा है उसका 45 डिग्री सो so ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया अभी इसको और भी कंप्लीट कर लेते हैं बाय पॉइंट गिविन द नेम टू ऑल द पॉइंट गिवन टू अस लेट इट बी ए बी ये हो गया सेवन मीटर केबल टावर जो है उसकी जो लेंथ है या हाइट है यू कैन से इज़ अन नोन फॉर अस लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हो ध्यान से अगर ए बी आपका सेवन है तो आपका ई डी भी सेवन मीटर होगा और ये वाली वैल्यू आपको नहीं दी हुई तो इसको हम एक्स ले, ले लेते हैं सी ई e को अब हमें निकालना क्या है वी हैव टू फाइंड बेसिकली हाइट ऑफ द टावर ये पूरे की हाइट हमें निकालनी है एक्स प्लस सेवन निकालना होगा जो कि आपका क्या है सी डी इक्कीूबल टू सी डी और आपको क्या दिया हुआ है इस केस में हमें ट्राइंगल ए बी डी में हमारे पास सिर्फ सेवन मीटर ये दिया हुआ है और हमें पता है कि ये वाला एंगल कितना तो हो जाएगा 45 फाइव ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले तो आप इग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करो ए बी डी क्योंकि बेस चाहिए ना हमें उसके बगैर हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते ये हो जाएगा tan 45 फ़ाइव कितना आपका सेवन बेस कितना आपका बी डी तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सेवन मीटर तो ये सेवन मीटर हो गया तो उसके ऑपोजिट जो ए है वो भी सेवन मीटर होगा ये भी सेवन हो गया आपका अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्स तो आप कौन सा ट्राइंगल यूज़ करोगे ए ई सी यूज़ करो इन ट्राइंगल ए ई सी वी विल हैव टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी विल बी इक्वल टू सी ओवर ए ई टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है हमारी रूट थ्री सी ई हमें नहीं पता एक्स ले लेते हैं ए ई हमें पता है सेवन सो इट विल बी सेवन अंडर रूट थ्री मीटर सो ये आपका आ गया एक्स अब हमें टोटल क्या निकालना था सी डी सी डी की वैल्यू सी ई प्लस ई डी सी ई इज सेवन सेवन अंडर रूट थ्री सेवन की वैल्यू कॉमन लो वन प्लस अंडर रूट थ्री इज द आंसर टू 7 in bracket 1 plus under root 3 meter this is the height of the tower of of your question yes we can say this is your answer for 12th one now moving to the next one which is the 13th one